किसी अन्य प्रत्याशी के उपहास का अधिकार नहीं। महाराज, हमारे विचार से इस ब्राह्मण को अवसर अवश्य मिलना चाहिए। किंतु वासुदेव, महाराज, स्वयंवर सभा में उपस्थित कोई भी प्रत्याशी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है। नियम केवल यह है कि वह उच्च कुल का होना चाहिए। एवं ब्राह्मण तो कुल श्रेष्ठ होते हैं महाराज। यदि ये प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं तो इन्हें अवसर मिलना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, लेकिन धनुष प्रतिस्पर्धा एक क्षत्रिय का कार्य है और एक क्षत्रिय का कार्य एक ब्राह्मण करे, क्या ये क्षत्रियों का अपमान नहीं है? क्षत्रियों के इस कार्य में आर्यवर्त के समस्त क्षत्रिय परास्त हो गए, क्या ये क्षत्रियों का अपमान नहीं प्रिय दुर्योधन? के अपमान अथवा किसी अन्य के अपमान का विषय ही नहीं, विषय है द्रौपदी के अपमान, द्रौपदी के अपमान का, उसके मान सम्मान का। हम आप सबसे पूछते हैं कि स्वयंवर सभा में प्रस्तुत द्रौपदी यदि कवारी ही वापस लौट जाए तो क्या इससे उसका अपमान नहीं होगा? क्या उसका हास परिहास नहीं बनेगा? अतः स्वयंवर को सफल बनाने हेतु हमें अंतिम प्रत्याशी तक को अवसर देना चाहिए। उत्तम। प्रभु श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं। हमें अवसर देना चाहिए। हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। आगे आइए आप।
राजकुमारी द्रौपदी एवं श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। रावण, यहां वीरता का परिचय देना है, विनम्रता का नहीं। सत्य कहा दुर्योधन तुमने, हमें ये ब्राह्मण मूर्ख प्रतीत होता है। जिस स्त्री का वरण करना हो उसे कोई प्रणाम करता है? शिशुपाल, ये बात कह के तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। द्रौपदी को प्रणाम करके इस ब्राह्मण ने यहां उपस्थित सभी महानुभावों में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। किसी भी महान अथवा महत्वपूर्ण कार्य के पूर्व देवी शक्ति को नमन किया जाता है। देवी शक्ति स्त्री शक्ति के रूप में यहां द्रौपदी उपस्थित है, अतः द्रौपदी को प्रणाम करके इन्होंने शक्ति को प्रणाम किया है। धनुष उठाइए ब्राह्मण।